दोस्तों आज हम बनाएंगे राजस्थान का बहुत ही फेमस फूड मिर्ची वड़ा। ये मिर्ची वड़ा खाने में बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, बल्कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए मिर्ची के अंदर के सभी बीजों को निकाल दिया जाता है और फिर इसके अंदर आलू की स्टफिंग भरी जाती है। इसी वजह से ये मिर्ची वड़ा बिल्कुल भी तीखा नहीं होता और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जिस तरह से यूपी में समोसा और मुंबई में वड़ा पाव फेमस है, इसी तरह से राजस्थान में ये मिर्ची वड़ा बहुत ही फेमस है। तो फिर चलिए आज घर पर बनाते हैं राजस्थान का बहुत ही फेमस मिर्ची वड़ा इस आसान विधि से। राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये मैंने 250 ग्राम कोल्हापुरी मोटी वाली हरी मिर्च ली है। इसमें बहुत ही कम तीखा होता है। अगर आप इसके मिर्ची वड़ा बनाएंगे तो आपके मिर्ची वड़ा बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बेसन 250 ग्राम, आलू 4 मीडियम साइज़ के, वज़न में ये 400 ग्राम है। मैंने इन्हें उबाल कर मैश कर लिया है। मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म होने पर हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून राई डाल देंगे। ज़ीरा और राई के चटकने पर हम इसमें अपने आलू डाल देंगे। आलूओं को चलाते हुए भून लें। गैस की आंच को मीडियम रखें। आलू को हमें हल्का सुनहरा कलर आने तक भूनना है। अब आलूओं में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लें और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम चलाते हुए दोनों चीज़ों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे आलूओं को भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और अब हमारे आलू अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और आलू को ठंडा होने के लिए रख दें। इतने हमारा आलू ठंडे हो रहे हैं, इतने हम अपने बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। बेसन में 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लें, 1/2 टीस्पून नमक, 1 चुटकी खाने वाला सोडा डाल लें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से इसमें बहुत अच्छा कलर आता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अगर आपने एक साथ ज़्यादा पानी डाल दिया तो हमारा बैटर पतला भी हो सकता है। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमारा बेसन का घोल बनकर तैयार है। ये देखिए, मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रखी है। इस घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर हमने अपने घोल को ज़्यादा पतला कर लिया तो फिर हमारा घोल मिर्ची पर नहीं चिपकेगा और इसी वजह से हमारे मिर्ची वड़े ज़्यादा बढ़िया नहीं बनेंगे। इसलिए घोल को थोड़ा गाढ़ा ही रखें। अब हम घोल को 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इतने देर में हमारा आलू का भुरता भी ठंडा हो गया है। अब हम इसमें अपने बाकी के मसाले डाल लेंगे। अभी मैंने इसमें सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला ही डाला है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल लेंगे। नमक स्वाद अनुसार। नमक डालते समय ध्यान रहे कि हमने अपने बेसन में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए नमक कम ही डालें। 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाले का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल लें। कसूरी मेथी को मैंने भून लिया था, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिला लें। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया है। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए अब हमारा आलू का भुरता एकदम तैयार है। मैंने मिर्चों को अच्छे से धोकर एक टावल से पोंछ लिया है। अगर हम गीली मिर्चों से मिर्ची वड़ा बनाएंगे तो हमारी मिर्ची के ऊपर बेसन नहीं चिपकेगा। आप भी मिर्चों को अच्छे से धोकर इसको पोंछ लें। अब एक हरी मिर्च लें और इसके बीच में इस तरह से चीरा लगा लें। अब हम मिर्च के अंदर के सभी बीजों को निकाल लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी तीखापन ना रहे। ये देखिए, मैंने मिर्च के अंदर से सभी बीजों को निकाल लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं है। अब हम इसके अंदर अपने आलू की स्टफिंग भर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से करते हुए हम इसके अंदर अच्छे से आलू भर लेंगे। मैंने आलू को हरी मिर्च के अंदर अच्छे से भर लिया है। अब इसी तरह से हम बाकी के सभी मिर्चें तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक हरी मिर्च और दिखाती हूँ कि किस तरह से इनके बीज निकाल कर आलू को स्टफ करना है। अब इसके अंदर से हम सभी बीजों को निकाल लेंगे। इस तरह से सभी बीज निकाल दें। मैंने इसके अंदर से भी सभी बीजों को निकाल लिया है। अब हम इसमें अपने आलू को स्टफ कर लेंगे इस तरह से। पूरी मिर्ची में आलू को अच्छे से भर लें। ये देखिए, हमारी मिर्च तैयार है। मिर्च के बीज निकालकर आलू को स्टफ करना बहुत ही आसान है। इसी तरह से हम अपने बाकी के सभी मिर्चों को तैयार कर लेंगे।
मैंने सभी मिर्चों को आलू से अच्छे से स्टफ कर लिया है। एक पैन में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। बैटर को चलाते हुए मिला लें। तेल के मीडियम गर्म होने पर हम एक मिर्च लेंगे और इसे बेसन में इस तरह से अच्छे से डिप कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मिर्च को बैटर में अच्छे से डिप कर लिया है। इसी तरह से हम एक एक करके सभी मिर्चों को तेल में डाल लेंगे। ये देखिए, मिर्ची वड़ा को हम सभी तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की आंच को मीडियम कर ले और इन्हें सभी तरफ से हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर ले। सभी तरफ से हल्का सुनहरा व कुरकुरा होने पर हम इन्हें निकाल लेंगे। मिर्ची वड़ा को एक टिश्यू पेपर बिछे प्लेट में निकाल ले और बाकी के सभी मिर्ची वड़ा को इसी तरह से फ्राई कर ले। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी हमारा राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनकर तैयार है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। टेस्टी मिर्ची वड़ा को मैं टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। अब मैं आपको एक मिर्ची वड़ा काट कर दिखाती हूँ। हमारे मिर्ची वड़े अंदर से भी कितने अच्छे से सिके हैं। अगर आप भी इसी तरीके से मिर्ची वड़ा बनाएंगे तो आपका मिर्ची वड़ा बिल्कुल भी तीखा नहीं बनेगा। बच्चे हों या बड़े, इस मिर्ची वड़े को सभी बहुत शौक से खाते हैं।